मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। सबसे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो बता दूं जीडीपी बात कर रही है बेरोजगारी की। ब्रेक के बाद पहला सवाल है, उससे पहले तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृह जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनुराशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले अच्छा रहेगा। कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल क्या होगा वो भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो व्यस्क है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी।